जिला सीतामढ़ी ब्लॉक सूफी ग्राम पंचायत रमनगरा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह समाज सेवी से हमारे संवाददाता महेश सिंह ने बातचीत की। आइए देखते हैं सीतामढ़ी से खास रिपोर्ट। सर आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है, घर सूफी है जी, और ग्राम पंचायत बवनगामा रमनगरा पैक्स के हम अध्यक्ष हैं जी। क्या लक्ष्य रखे हैं पंचायत के पब्लिक जनता का? लक्ष्य रखे हैं इस पैक्स के, ये किसानों के उत्थान का काम करना जी, और हम उसमें लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ के किसान खेती और यानी कृषि कार्य कैसे सुचारू रूप से चलाता रहे और कितना अधिक से अधिक उत्पादन हो सके अनाज का। तो रामनगरा पंचायत के पब्लिक जनता गण के लिए क्या लक्ष्य रखे हैं? वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम जानते हैं कि हमारे किस किसान को किस चीज़ की दिक्कत है जी, और उसी दिक्कत के समाधान के लिए सरकार का जो अभियान है उस अभियान को उस किसान तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। किसान या कृषि कार्य करने वाले लोग जितने सुप्त अवस्था में हैं इस बिहार के, मैं उसको जगाना चाहता हूं। तो अभी तक क्या कार्य करके किसान को सुविधा दी लिया है? यहाँ के किसान को जगाने का काम किया है मैंने। जैसे? जैसे खेती का छोड़ दिया था, धीरे धीरे लोग खेती करना शुरू किया है जी, और खेती छोड़ कर लोग भाग जाते थे दूसरे स्टेट में जैसे पंजाब हरियाणा, अब धीरे धीरे लोग अपने यहाँ रहकर खेती कर रहे हैं और उसके लिए खाद बीज या हर फसल का बीमा, यानी हर फसल के बीमा का लाभ पहुंचाने का काम करता हूँ जी। ये सरकार का यही अभियान है। जैसे अभी ये जो बाढ़ आया है, बारिश हुई है, उससे मेरे पैक्स के लोगों का धान क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी अभियान चल रहा है बीमा का, और उस फसल के मुआवजा के पेमेंट कराने का, तो सरकार ये शुरू किया है। सरकार का निर्देश आया है कि फसल बीमा का लाभ भी दिलाने का काम करें। हाँ, वो मिलेगा किसान को। तो 30 अक्टूबर तक ये फसल बीमा का ऑनलाइन होना है। मैं एक एक किसान को जागरूक जानकारी दे रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि 30 अक्टूबर तक बीमा का काम करें। हाँ, बीमा का काम यानी बीमा का ऑनलाइन कराने का काम चल रहा है। आप कराएं और धड़ल्ले चल रहा है ये ऑनलाइन कराना जी। तो पब्लिक जनतागण के लिए आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि बीमा के समय आ गया है, अब और ऑनलाइन अपना करा सकते हैं कोई भी कार्य है तो शीघ्र आपसे मिले। हाँ, बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़े। पब्लिक जनतागण को खाद के बारे में बता सकते हैं, खाद मुहैया कराते हैं? खाद मुहैया यहाँ जो है ये नेपाल बॉर्डर से 7 किलोमीटर रेंज का जितना लाइसेंस था जी पैक्स का, तत्कालीन DM उस लाइसेंस को कैंसिल करवा दिए जी, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक लाइसेंस लोकल लोगों को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुँच सकेगा जी, और खाद नहीं पहुँच सकेगा
तो खेती सही ढंग से नहीं होगी। सरकार के बारे में, बिहार सरकार के कार्यकलाप के बारे में कुछ कहना है सर? बिहार सरकार तो खाद का मांगे खाद कंपनी से बंद कर दिया है जी। केंद्र सरकार के बारे में कुछ दो चार सब? केंद्र सरकार तो चाहती है कि यहाँ किसान खेती करे जी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नियम कहता है कि जैसे इफ्को कंपनी है कि इफ्को कंपनी है, तो केंद्र राज्य सरकार का काम है कि एस्टिमेट बनवा के कि इस साल के खेती में कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना मिक्सचर, ये सब कितना खर्च हो सकेगा जी, वो ये इफ्को किफ्को कंपनी को ऑर्डर करके बनवाना जी। ये नियम कहता है कि बनाने के ऑर्डर के साथ साथ 60% राशि उस कंपनी को देना होता है, और वो राशि से उत्पादन करके और जब मुहैया कराता है वो कंपनी, तो 40% जो बाकी राशि है वो दे दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार ना ऑर्डर करती है और ना इफ्को क्रिफ्को कंपनी को पैसे देती है। तो इफ्को क्रिफ्को का खाद किसान को मुहैया नहीं हो रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है। लोकल कंपनी का खाद मुहैया हो रहा है जी। तो छींटने के लिए धान में लोग यूरिया छींटते हैं या मिक्सचर देते हैं या डीएपी देते हैं, लेकिन फसल इफ्को कंपनी का मुहैया नहीं, लेकिन उसका मुहैया नहीं हो पा रहा है जनरल जगह, जिससे किसानों का बाली क्षतिग्रस्त उत्थान होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। धन्यवाद।